आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। माफ कीजिएगा, मैंने आपको इतनी देर रुकाए रखा, वो ये पति नहीं है ना घर बेच, वो खेता बेच गए, बस अभी लौटते ही होंगे, आते ही वो आप लोगों को जमीन दिखाने वास्ते ले जाएंगे। तब तक मैं अपने कृषि विद्यालय के बारे में जितनी भी जानकारी है इस कंप्यूटर विच वो दिखाना चाहती हूँ। रब्बा मेरी मदद करना। लगता है दवाई की मेहमान नवाजी करानी पड़ेगी इससे। ये दवाई बंसरी जी, मेरी कुछ पुरानी तस्वीरें अलमारी में पड़ी थी, आपने देखी है कहीं? हाँ देखी, मैंने फाड़ के ना कचरे के डब्बे में फेंक दिए। आपने मेरी, सरपंच जी आपकी हिम्मत कैसे है उस लड़की की तस्वीर इस घर में रखने की? एक गल सुन लो, आखिरी बार बोल रही हूँ कि आपके अतीत के लिए इस घर में कोई जगह नहीं और ना ही उस लड़की के लिए। और एक गल याद रखो, आपके ना सिर्फ दो ही बच्चे हैं और यही सच है और यही रहेगा, समझे? इस लाचार बाप को माफ कर दे, मेरे लिए मैं जिंदगी भर सिर्फ आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं। चलो अब जोर से सांस लो। ये बंसरी पर जाए थे ना, दिन पे दिन भावरी होती जा रही है। कुछ दिनों पहले तो उन पे गायिका बनने का भूत सवार था और आज सुनने में आया है कि नई तरीके का नाच सीखना है और उस नए चस्के के लिए उन्होंने मास्टर की भी खोज शुरू कर दी। बांसुरी प्रजाई जी का ना दिमाग टेढ़ा मेढ़ा घूमता रहता है। मेहंदी से अपने सफेद बालों को छुपाती आ रही है लेकिन अब उसका दिमाग ना सठियाने लगा है। उसे कौन सी मेहंदी चढ़ाएगी? अरे इस उम्र में दिमाग सठियाना यानी सबको नजर आता है। ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो तूने मैंने यहाँ पर बुलाया? चल गड्डी भी जा जा, वो पास वाले शहर के बाजार जाना है। ओए क्यों? यार वो बीजी है ना, अब उनके सर पर नाचने का भूत सवार हो गया है, तो उसी वास्ते वो शहर के बाजार से उनके लिए वो क्या घुंघरू खरीदने हैं और साथ साथ ही देख लेंगे कोई भरतनाट्यम का मास्टर दिख जाए तो। नो नो नो, बल्दे मैं तेरे साथ नहीं आ रही हूँ, और तूने जिद की थी ना इस वास्ते यहाँ पर आ गई। तेरे साथ सिर्फ पिंड के बाहर शहर जाना, नहीं बिल्कुल मेरे पास वक्त नहीं है, मैंनू वापस जाना है। ओए ए केड़ी बात हुई है,
अरे वीरा ये ठीक नहीं है, मतलब तू जब भी मैं मदद वास्ते बुलाती है मैं फौरन खड़ा हो जाता हूँ। अब मैं तेरी जरूरत है तो तू ऐसे पीछे हट रही है, केड़ी दोस्ती निभा रही है तू, सब दिखाई दे रहा है मैं, मतलब तेरा वक्त कीमती मेरा नहीं। ओहो बलदेव, तूने छोटी सी बात को कहां ले जा रहा है? देख मैं पीछे नहीं हट रही हूँ, तू बात को समझने की कोशिश करना। तेरे साथ अभी मेरा आना ना इम्पॉसिबल है। वो क्या है ना, अनुदान समिति वाले घर पर इंस्पेक्शन, मेरे कहने का मतलब है कि जांच के वास्ते। तो जो लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन बनाई है वो मैंने ही दिखानी पड़ेगी ना, वीर जी भी खेतों में काम पर गए, मैं नहीं आ सकती, समझने की कोशिश कर। और वैसे भी तेरा काम ना इतना जरूरी नहीं है, बाद में हो सकता है। वो जरूरी है, तेनू नहीं समझ आएगा। अब अच्छा एक बात बता, मैंने समिति वालों ने फोन करके बताया था कि वो आ रहे हैं? नहीं। हाँ, और क्योंकि वो नहीं आने वाले ना आज, इसीलिए। क्यों नहीं आने वाले? ओ आज छुट्टी है, सरकारी छुट्टी है आज, किसी वास्ते। तो कौन सी सरकारी छुट्टी? तो कोई याद नहीं, आज कौन सी सरकारी छुट्टी, वो इन्हें ही है। यार देख बेटा, ना सरकार ना साल में कई बार ऐसे छुट्टी मनाने चली जाती है, हैं? तनु सबकी खबर थोड़ी होगी। और मैं कह रहा हूँ ना छुट्टी है, वो समिति वाले आज किसी भी हालत में तेरे घर नहीं आ सकते। हाँ तनु यकीन है? हाँ मैंने पूरा यकीन है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। तू ना वीरा बहुत वक्त बर्बाद करती है, तू बस सवाल जवाब बहुत करती है, मतलब अभी तक तो वहाँ पहुँच गए होते। ठीक है चलती हूँ, पर फिर भी चल से चलना, हम वापस आ जाएंगे। ठीक है? हाँ हाँ बस वो मतलब तू बस मेरी मदद कर देना ठीक से, हम ऐसे काम निपटा कर आ जाएंगे वापस। ठीक है आजा आजा, चल बैठ जा, आजा आजा आजा, जल्दी काम करना है ना। बस पुत्र कोई आया? सच्चे का जी, हम अनुदान समिति से आए हैं इंस्पेक्शन के लिए। मैंने बस दो मिनट दीजिए, आओ जित सिया अंदर, तुसी इत्थे बैठो, मैं आपके वास्ते पानी लेकर आती हूँ, बैठो। हाँ गुंजा। रणवीर वो घर में अनुदान समिति वाले आए हैं। एक काम करके तू और वीरा ना उसको उनको तब तक कंप्यूटर पर वो झांकियां दिखा, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करता। आगे चल के एक बार और देख लेते हैं ना। वीरा घर में अनुदान समिति वाले आए। तो कितने हैं? यहाँ पर सिर्फ मैं और चाय जी हैं। हाँ वीरा मैंने समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, तू छेती छेती घर आ जा। वो बस आधी होगी, मैं हूँ की करा। इतनी देर क्यों लग रही है? पता नहीं।
देगा। मैंने आपको इतनी देर रुकाए रखा, वो मेरे पति नहीं है ना घर बेच, वो खेता बेच गए, बस अभी लौटते ही होंगे। आते ही वो आप लोगों को जमीन दिखाने वास्ते ले जाएंगे। तब तक मैं आपको कृषि विद्यालय के बारे में जितनी भी जानकारी है इस कंप्यूटर बेच वो दिखाना चाहती हूँ। रब्बा मेरी मदद करना। बस दिखा रही हूँ। देखिए आपको टाइम लग रहा है, हमें पास वाले गांव में भी जाना है। नहीं नहीं ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस कंप्यूटर ना थोड़ा सा अटक गया है, मैं देख रही हूँ। तो बहुत टाइम ले रहा है। मैं काम करती हूँ, इसमें जो भी लिखा है वो आपने जुबानी बता देती हूँ। संपूर्ण सिंह जी के कृषि विद्यालय से किसानों को बहुत फायदा होगा और इससे किसानों को खेतों की नई तकनीकों के बारे में मालूमात मिलेगी और पहले के मुकाबले अभी ज्यादा पैदावार होगी और इससे विद्यार्थी नो कई विषयों पर जानकारी दी जाएगी। ये वो सारी बातें आप मुझे पहले भी बता चुकी हैं। आपका समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास यही दिखाने और कहने के लिए है तो फिर हम लोग चलते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।